हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियोस आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में काफ़ी काम आ सकते हैं। इसकी इन्फॉर्मेशन को आप मेंस एग्जामिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, पहला कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के बारे में और दूसरा APEC यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्ड ब्लड बैंकिंग। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जहां पर 7 साल की एक बच्ची जो कि नासिक महाराष्ट्र से थी, उसको अप्लास्टिक एनीमिया एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक डिजीज़ होता है। तो ये 7 साल की जो बच्ची थी नासिक से, ये अप्लास्टिक एनीमिया से सफ़र कर रही थी, इसको बचाया जा सका कॉर्ड ब्लड बैंकिंग के द्वारा। मैं आपको कॉर्ड ब्लड के बारे में बता देता हूँ। जब भी कोई बच्चा होता है, जब भी कोई डिलीवरी होती है, माँ की माँ बच्चे को डिलीवर करती है, तो माँ और बच्चा एक कॉर्ड से, आप बोल सकते हो एक धागे से, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड बोला जाता है, उससे कनेक्टेड रहते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर जो ब्लड के सैंपल्स होते हैं या जो खून लगा होता है, उसको कॉर्ड ब्लड या अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बोला जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड का फायदा ये होता है कि अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड जो है बेसिकली कुछ स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करता है, और ये स्टेम सेल्स आगे जाके बच्चे को खतरनाक बीमारियों से बचा सकता है। तो अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड बेसिकली स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करके आगे जाकर बहुत ही खतरनाक बीमारियां जैसे कि कैंसर, एनीमिया, ऐसी डिजीज से बच्चे को बचा सकते हैं। तो अभी रिसेंटली नासिक महाराष्ट्र में 7 साल की बच्ची को अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से बचाया गया। उसको अप्लास्टिक एनीमिया था, उसको बचाया गया। कुछ प्रॉब्लम्स भी अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड से रिलेटेड हैं, वो ये हैं कि कई बार डिलीवरी के दौरान काफ़ी हॉस्पिटल इस कॉन्सेप्ट को कमर्शलाइज करते हैं, मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। इसका ये मतलब है कि जब भी बच्चे की डिलीवरी होने वाली होती है तो पेरेंट्स से बोला जाता है कि भाई आप अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड को प्रिजर्व करवाइए, और उसके बदले में बहुत सारा पैसा चार्ज किया जाता है हॉस्पिटल्स के द्वारा। आज की दूसरी न्यूज़ है APEC यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉपरेशन से रिलेटेड। ये जो बॉडी है 1989 में फॉर्म हुई थी, और रिसेंटली इस बॉडी ने अपनी ऑनलाइन मीटिंग करी है, क्योंकि कोरोना के कारण ऑफलाइन यानी कि फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाई, तो ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करी है APEC ने। APEC के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। 1989 में एशिया की कुछ कंट्रीज़ और पैसिफिक ओशन से रिलेटेड कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ मेंबर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे को ट्रेड के अंदर और बहुत सारे इश्यूज़ में जैसे कि क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब में एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। APEC के अंदर 21 मेंबर्स हैं। आपको 21 मेंबर्स के नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। फिर से सुन लीजिए, इंडिया इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। सो APEC 21 मेंबर्स का ग्रुप है, और रिसेंटली ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करी गई APEC की। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे पता होना चाहिए कि इंडिया कौन कौन सी ग्रुपिंग्स का मेंबर है और कौन कौन सी ग्रुपिंग्स का मेंबर नहीं है। कई बार प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सभी वीडियोस को आप शेयर कीजिए जिससे औरों की भी नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक यू वेरी मच।